नमस्कार, मैं SFI सिंजौली इकाई सचिव। तो आप सभी जानते हैं, हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है विधानसभा के सत्र में जो है बजट को पेश किया है। तो आप लोगों ने देखा कि तकरीबन 53,000 करोड़ का जो बजट पेश किया गया है। तो हम लोग क्या है कि स्टूडेंट्स होने के नाते हम सबसे पहले जिस चीज़ पर फोकस किया, हमने देखा कि जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें मात्र 8,000 करोड़ आपने शिक्षा के लिए रखा है। लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी यही काम किया है। इससे पहले जो सरकार रही है उन्होंने भी यही काम किया है। एजुकेशन को जो है बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लगातार उसमें जो है बजट में कटौती की जा रही है। और आप लोग देख रहे हैं लगातार जो हमारे देश में है, या हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। और लाइब्रेरीज़ के अंदर क्या है, जो लोग जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 16-16 घंटे जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अंत में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम की बारी आती है तो आप लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर्स लीक हो जाते हैं। तो सरकार को इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम लोग देख रहे हैं लगातार नशा बढ़ते जा रहा है, बेरोज़गारी तो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को रोज़गार प्रदान करे, क्योंकि जो ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, चोरियाँ बढ़ रही है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण यही है। अगर युवा के पास रोज़गार नहीं होगा तो नेचुरली क्या है, वो इनकम को अर्न करने के लिए जो है गलत रास्ता भी अपना सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है सरकार से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है कि अगर आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं लोगों को तो जो है अर्निंग्स के लिए वो उल्टा काम भी अपना सकता है, जब उसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन सेक्टर की ओर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। और जो ये लीक का जो पूरा वही बन गया है ट्रेंड ही कि जो भी पेपर आएगा वो लीक हो जाएगा। जो गरीबों के बच्चे हैं, कई ऐसे हैं जो लोन्स लेकर तैयारियाँ कर रहे हैं, आप लोग उनके जो फ्यूचर के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं लगातार। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और एजुकेशन सेक्टर को आगे प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मेरा नाम आशीष चौहान, SFI कार्यकर्ता। जैसा कि अभी जो देश सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है, अगर उस बजट की बात करें तो जो बजट है वो बिल्कुल मिला जुला बजट है। प्रदेश सरकार ने जो है युवाओं को एक और नौकरी का झांसा तो दिया है, लेकिन जो नौकरियां हैं वो जो अगर हम प्रदेश में बेरोज़गार युवाओं की बात करें तो वो युवा बेरोज़गार युवाओं की जो गिनती है वो कहीं अधिक है। इसके लिए जो है सरकार को बजट के अंदर जो है युवाओं को और अधिक नौकरी देने की ज़रूरत थी, जिस जो करने में सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है। साथ ही साथ अगर हम एजुकेशन के ऊपर बात करें तो जो एजुकेशन के ऊपर है प्रदेश सरकार बजट देती है वो लगातार जो है घटता जा रहा है। सरकार जो है एजुकेशन के ऊपर पूरी तरह से बजट नहीं दे रही है। इसके कारण हो क्या रहा है कि जो स्टूडेंट है जो पढ़ना भी चाहता है, जो गरीब स्टूडेंट है वो जो है अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाता, वो जो है हायर एजुकेशन हासिल नहीं कर पाता। इसीलिए जो है सरकार को एजुकेशन और युवाओं की ओर जो है ध्यान देने की सख्त जरूरत है। जी, सबसे पहले आपका नाम? नमस्कार, मैं प्रेरणा सिंह, SFI की कार्यकर्ता। साथियों, जैसे कि हमने अभी देखा है कि हाल ही में हमारे बीच में जो सरकार ने बजट निकाला है जिसमें कि 30% प्राइवेट में निकाला गया और 60% गवर्नमेंट में निकाला गया है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स पे जो इसका प्रभाव पड़ रहा है, हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स के लिए नौकरियां तो निकाली गई है लेकिन वो इतनी नहीं है कि हर एक युवा को जो है कि रोज़गार मिल सके। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि वो कुछ ना कुछ ऐसा निकाले कि जो बेरोज़गारी जो आज सबसे बड़े हमारे बीच में दिक्कत आ रही है वो कम हो और वो सबको रोज़गार प्रोवाइड करे। साथ ही में हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट है वो दिन रात मेहनत करता है एक एग्ज़ाम देने के लिए, चाहे कोई भी IIT के हो या फिर कोई भी आगे बड़ा एग्ज़ाम हो उसकी तैयारी करता है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि वो लीक कर दिया जाता है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि वो इस चीज़ में भी ध्यान दे ताकि जो उसकी मेहनत है वो ख़राब ना हो और वो उसकी पढ़ाई आगे अच्छे से हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।